अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और इस इंतजार में होंगे कि आप कन्वीनियंट डिश बनाने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई आउट फ्राइड चिकन स्टेक एंड इट वुड बी अ वन पैन फ्राइड चिकन स्टेक। अब फ्राइड चिकन स्टेक तो जाहिर है फ्राइड तो आप एक ही पैन में करेंगे, लेकिन इसमें सारी सॉसेस थी, दो तरह की सॉस होंगी, वो हम इसी पैन पे बनाएंगे, आपको ज्यादा बर्तन ही इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। एंड वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस प्लेट विद दिस स्टेक। अच्छा, यूजुअली स्टेक्स के साथ फ्राइज लेते हैं, पोटैटो वेजेस लेते हैं, राइस होता है, पास्ता भी होता है, बट टुडे वी आर गोइंग टू बॉइल सम पोटैटोस एंड देन उन्हीं को हम बहुत थोड़े से ऑयल में सॉटे करेंगे। आप उसके साथ ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने बटर ऑप्शन इस्तेमाल किया। अच्छा, मेक श्योर इस चिकन स्टेक के लिए आपने बहुत पतले पतले फिले कटवाने हैं, जितने फिले होगा चिकन का उतना ही अच्छा स्टेक बनेगा। प्लस आई एम यूजिंग पैन को ब्रेड क्रम्स फॉर दिस रेसिपी, बट हम उसको डबल कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी चिकन हार्ड हो जाएगी। सो वी वॉन्ट द चिकन स्टेक टू बी टेंडर फ्रॉम इन साइड एंड क्रिस्प फ्रॉम आउट साइड एंड वी आर गोइंग फॉर द पैन को ब्रेड क्रम्स ऑप्शन। पैनको ब्रेड क्रम्स में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता। सो गो फॉर दिस ऑप्शन, अदरवाइज इट इज अप टू यू। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। याद रहे कि हमने चिकन फिले को पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और विनेगर है, और पैनको में पेपरिका पाउडर, सॉल्ट एंड अनियन पाउडर। ये फ्रेश पीसेस जल्दी से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी थिनली कट थे। आप इसको फ्राई करके हाई फ्लेम पे प्लेट में डेकोरेट कर लें। इसके साथ ही हम उसी पैन में तेल कम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा तेल था, हालांकि ये शैलो फ्राई थे काफ़ी ज़्यादा था। उसमें हमने लहसुन पेस्ट डालना है, एक टमाटर और साथ ही वाइट पेपर, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून ऑरिगानो, इसको आप हाथ से क्रश कर लें वाइल ऑन हाई फ्लेम, और थोड़ी सी सॉल्ट डाल के ये हमारा टोमेटो सॉस रेडी है। सॉस को आप स्टिक के ऊपर डेकोरेट कर दें। इसके साथ ही हम सौते आलू बना लेते हैं, ऑलरेडी बॉइल्ड हुए हुए थे आलू, और इसको आप थोड़े से नमक और ब्लैक पेपर के साथ सौते कर लें और प्लेट में डेकोरेट कर देते हैं। सेम पैन पे थोड़ा सा बटर लें, इसमें 1 टीस्पून बटर के साथ 1 टेबलस्पून क्रीम डाली है मैंने, और 1/4 कप दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। मैंने एक चंक मोज़रेला चीज़ का डाला है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून्स। सो आप मोज़रेला चीज़ का डाल के साथ ही दूध ऐड करें। हमने 1/4 दूध ऑफ एंड ऑन डाल के इसको क्रीम सी सॉस बना लें। इसके एंड में मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, बिकॉज मुझे ज़रा स्पाइसी सी स्टेक अच्छी लगती है। यू कैन स्किप दिस इफ यू डोंट वांट इट, एंड इसको अच्छी तरह से आप हिला लें। ये भी तेज आंच पे पकेगा सेम पैन पे, और इसको अब हम स्टेक पे डाल देंगे टोमेटो सॉस के ऊपर। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चेडर चीज शेड करके डाली है व्हाइल द सॉस इज स्टिल हॉट, वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी, चीज इसमें और बहुत मजे का टेक्सचर आ जाएगा। डेकोरेटेड एज यू वांट एंड दिस इज गुड टू गो। दिस इज वेरी यमी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। I hope you like this recipe. If you do, do not forget to subscribe to my channel.